तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। आपने तो स्टील डील ले लिया फिर तो। मैंने तो काफी अच्छा डिस्काउंट मिल गया आपको। हाँ, मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। मैं यहाँ कान लगा के बैठ जाऊंगी तो भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे सामने है नेक्सॉन ईवी और इसमें ना काफी सारी मॉडिफिकेशन हो रखी है, बट ये जो वीडियो है मॉडिफिकेशन पे नहीं है, ये डेडिकेटेड वीडियो है ईवी पे। तो ये है इसके ऑनर मिस्टर वैभव, प्लीज आ जाइए फ्रेम में। तो पहले तो आप ये बताओ, आपको कितना टाइम हो गया इसको परचेज किए, कब परचेज की थी? मेरे को अराउंड ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, लास्ट मार्च में मैंने परचेज की थी। ठीक है, कितनी चला दी है? अराउंड 9000 किलोमीटर। 9000 चल गई है। परचेज कितने की थी? मेरे को एक्चुअली में इसमें सब्सिडी मिली थी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब्सिडी के बाद मुझे 14.5 लाख की पड़ी थी। जैसा आपको तो सब्सिडी मिल गई है इसके ऊपर, अभी करंटली सब्सिडी कंटिन्यू हो रही है, मिल रही है लोगों को? इसमें सब्सिडी का मैटर ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी अभी भी चल रही है। अच्छा। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। जैसे दिल्ली में उन्होंने सिर्फ फर्स्ट 1000 कार्स के लिए रखी थी। ओके। जिसमें मेरे को मिल गई थी। हाँ। अब लोगों को नहीं मिल रही है। अच्छा। कई कई स्टेट्स में कम है, कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र में यू गेट 2.5 लाख, मतलब यहाँ से दिल्ली से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे थे वो। अच्छा। और कहीं कहीं पे कुछ स्टेट्स में नहीं भी मिल रही है, किसी स्टेट में कम है किसी में ज्यादा है, वो डिपेंड करता है, आपको अपनी स्टेट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि आपको कितने सब्सिडी बंद है। दिल्ली में उन्होंने फर्स्ट 1000 कार तक रखी थी, शायद वो उसको दोबारा लेकर आ रहे हैं। okay. अब वो कितनी लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, वो डिपेंड करता है। आपको ये कितने, 14.5 से भी कम की पड़ी है? हाँ, 14.5 से भी कम की पड़ी है। अच्छा। क्योंकि मैंने गाड़ी मार्च में ली थी और ये मॉडल दिसंबर का था। ओके। तो वो ईयर चेंज था। हाँ, तो इसलिए हाँ, उसकी वजह से एक्स्ट्रा उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। हाँ। आपने बोला होगा कि ये क्या, आपने तो लास्ट ईयर का दे रहे हो, न्यू ईयर आ गया। उस टाइम पे गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, आपको अभी भी पता है इस गाड़ी पे आज की डेट में भी 6 मंथ्स की वेटिंग है। उस टाइम पे भी अराउंड 4 मंथ्स की वेटिंग थी, तो मैं इतना वेट नहीं करना चाहता था। सही है। और उसी की वजह से शायद मैंने कलर पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। मुझे इसका जो पीकॉक ब्लू कलर है वो वेरी 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 ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे पता है। बट क्योंकि मुझे कार उस टाइम जल्दी चाहिए थी और वेट नहीं कर सकता था मैं 4 मंथ्स के लिए, तो मैंने उनको बोला कि आप व्हाइट अवेलेबल है, आप दे दीजिए। और वो दिसंबर मॉडल था, तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। आपने तो स्टील डील ले लिया फिर तो। मैंने तो काफी अच्छा डिस्काउंट मिल गया आपको। हाँ, मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। ईवी को लेके मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है, मतलब किसी का भी होता है, वो ये है कि माइलेज कितनी दे रही है ये माइलेज देती है अराउंड 250 अगर इसको हम अच्छे से चलाते हैं, मतलब जैसे ईवी को ड्राइव करना चाहिए। ईवी को ड्राइव करना है, एक थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है इसको ड्राइव करने का। अब नॉर्मल इंजन वाली कार चलाने में और ये चलाने में फर्क होता है। सिंगल पेडल ड्राइव करना होता है तो एक डिफरेंट है। उसके बाद अगर आप इसको सही तरीके से चलाओगे तो लोग, मैंने आपको 250 बोला है, लोग हाईवे पे या दूसरी जगह पे 300 के एवरेज भी निकालते हैं। जो 318 इसकी, मतलब एआरआई की, मतलब उन्होंने जितनी डिक्लेयर करी है वैल्यू वो उसकी एवरेज, वो 318 है, लेकिन लोग 300 भी निकाल लेते हैं। एक ईवी ओनर जो होता है ना, उसके माइंड में एक रहता है, एक बार-बार कैलकुलेशन चलती रहती है। हाँ, वो मुझे पता है। हाँ, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, रेंज एंग्जाइटी लोगों को बहुत ज्यादा होती है। जब आप एक नए ओनर हो तो आपको एक रहेगी कि भैया मेरी गाड़ी कितनी चलेगी, ये कहीं ना हो के रास्ते में बंद हो जाए, और उसकी एवरेज पूरी कैसे निकालनी है ये वो। बट जब आप थोड़ा टाइम तक इसको ओन कर लोगे, आप ड्राइव करोगे, आपको आदत पड़ जाएगी, कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं है, कोई हाईवेज पे भी नहीं होती। इनफैक्ट मैं बहुत दूर दूर तक लेके गया हूँ गाड़ी को। अच्छा। मैं यहाँ से पंजाब से आगे भी, मतलब काफ़ी हिमाचल तक लेके गया हूँ, देयर वाज नो प्रॉब्लम। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि वो तो ऑब्वियस है कि रास्ते में जहाँ रुकते हैं वहाँ पे चार्ज कर लेते हैं गाड़ी को। सही है, सही है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इनसाइड सिटी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिटी के अंदर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको कभी भी रेंज एंग्जाइटी होगी ही नहीं। चार्ज पूरी होने में मतलब कितना टाइम लग जाता है इसको? अगर हम घर पे चार्ज करते हैं तो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको 15-20% से स्टार्ट किया चार्ज करना, तो पूरा 100% करने में अराउंड 7 आवर्स लगते हैं, और कम होगी तो 8 आवर्स 8.5 आवर्स मैक्सिमम टाइम है इसका। और अगर हम इसको बाहर से फास्ट चार्ज करवाते हैं, जो चार्जिंग स्टेशन, मतलब दिल्ली में तो बहुत जगह है, बाकी दूसरी जगहों पे भी लग रहे हैं, तो इट टेक्स अराउंड लाइक 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है, 100% पूरी पहुंच जाती है। बट आई थिंक यार, लोगों के मनों में ना अभी भी ये चीज है कि एक माइंडसेट ये हो रखा है कि आप इसको एज ए सेकेंडरी व्हीकल ही यूज कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जरूरी नहीं है कि आप इसको सेकेंडरी की तरह यूज करो। लोग शायद हाईवे के लिए डरते होंगे, मैक्सिमम हाईवे पे इसके चार्जेस लग चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद सिटी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 250 किलोमीटर रेंज इज इनफ फॉर सिटी। आप सिटी में पूरा दिन भी गाड़ी को घुमाओगे तो आप 250 किलोमीटर नहीं चला सकते। एक तो ना इसके चार्जिंग की कॉस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो क्या है, और दूसरा आप इतने टाइम से चला रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि पर किलोमीटर की क्या एवरेज कॉस्ट आ रही है, तो वो एक बार बता दो आप। इसकी चार्जिंग कॉस्ट जो है, अगर हम घर पे चार्ज करते हैं नॉर्मल अपने, तो जो ये यूनिट्स लेती है अराउंड 200-250 रुपीस में ये फुल चार्ज हो जाती है। अच्छा, और अगर हम बाहर फास्ट चार्ज पे करते हैं तो वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, वो अराउंड 400 रुपीस पड़ती है। ओके। क्योंकि ऑब्वियस अगर आप बाहर से ले रहे हो और फास्ट चार्ज कर रहे हो तो वो अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, पर घर पे आप चार्ज करोगे तो आपको इतनी कॉस्टिंग पड़ेगी। और इसकी पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट इज लेस देन 1 रुपी, और पूरी मेंटेनेंस मिलाने के बाद ये सिर्फ 1 रुपी पर किलोमीटर कॉस्ट करती है। अभी मैं इसकी 3 सर्विसेज करवा चुका हूँ गाड़ी की। ओके। और सिर्फ एक सर्विस पे मेरे को 1500 रुपीज की इसकी कॉस्टिंग आई थी, जिसमें एक उन्होंने एक ऑयल बदला था, दैट्स इट। और कोई भी इसकी रनिंग में कॉस्ट नहीं है, मेंटेनेंस जीरो। सर्विस का आपने अभी मेंशन किया तो मैं ये सोच रही हूँ कि सर्विस के नाम पे करते क्या है, मतलब वहाँ पे इंजन वाला तो प्रॉपर हिसाब है नहीं, जो दूसरा पेट्रोल डीजल वाला इंजन होता है, तो करते क्या है सर्विस में ये? सर्विस में ये सिर्फ उसको वॉश करके दे देते हैं कार को, ये सॉफ्टवेयर इसका अपडेट कर देते हैं वो, अगर कुछ इसका नया सॉफ्टवेयर आया है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे चलती है गाड़ी, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। और इसकी सर्विसिंग में कुछ नहीं होता है, इसका सिर्फ एक ही ऑयल है जो कभी चेंज होता है, ट्रांसमिशन ऑयल, जो मैंने आपको बताया था इसका 1500 रुपीज़ का उन्होंने कॉस्टिंग ली थी। इसके सिवाय और कुछ इसमें एक भी रनिंग पार्ट नहीं है और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता है। यार ईवी में ना ये जगह जगह कुछ ब्लू एक्सेंट से दे रखे हैं, इसके अलावा साइड में भी, रियर में भी दे रखे हैं, इसके साथ यहाँ इंटीरियर में भी आपको जगह जगह ब्लू एक्सेंट्स दिख जाएंगे, तो काफी ये ना अट्रैक्टिव से लग रहे हैं। ये टाटा की कार में शेवरले का मैट पड़ा है, इसकी क्या कहानी है भाई? ये एक सुवेनियर मैंने अपनी लास्ट कार से रखा हुआ है, जो मेरे पास क्रूज थी। तो मैंने क्रूज अराउंड 9 ईयर्स तक मैंने 2 क्रूज चलाई है। फर्स्ट मैंने 5 ईयर्स एक क्रूज चलाई, उसको मैंने रिप्लेस करके दोबारा शेवरले क्रूज ही ली, क्योंकि मुझे उसका कोई रिप्लेसमेंट मिला नहीं, वो मेरे को सबसे अच्छी गाड़ी लगती थी। फिर मैंने उसको बेच के दोबारा क्रूज ली, और सेकंड क्रूज को सेल करने के बाद मैंने ये गाड़ी ली। क्रूज जैसे आप जानते ही हो कि काफी फन टू ड्राइव कार है, अभी आपने ईवी पे स्विच किया है, देन आप रिलेट कर पा रहे हो, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? इसकी परफॉर्मेंस क्रूज से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा। इसका पिकअप बहुत ज्यादा फास्ट है, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड ने अभी एक नई फॉर्च्यूनर लेजेंडर ली थी, जो बहुत हाई एंड कार है, एंड उसने मुझे चैलेंज किया रेस करने के लिए अपनी कार के साथ। ओके। इससे, एंड वो मेरे को ओवरटेक नहीं कर पाया। 0 to 100 ये 9.5 सेकंड्स में जाती है, आई थिंक लेजेंडर गोज 11 सेकंड्स, सो तो ये उससे भी फास्ट जाती है। बैटरी ऑपरेटेड है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, देन एसी चलाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ड्रॉप हो रही है आपकी बैटरी जल्दी जल्दी? नहीं, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एवरेज में थोड़ा सा फर्क आएगा वो तो ऑब्वियस है, बट एसी में पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जितनी जैसे इसके नॉर्मल पिकअप है विद एसी बिल्कुल सेम पिकअप रहती है। इनफैक्ट इसका एसी जो है वो नॉर्मल नेक्सॉन से ज्यादा अच्छा चलता है। अच्छा। मेरे पास नॉर्मल नेक्सॉन भी है, बट इसका एसी उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। क्रूज कंट्रोल तो इसमें नहीं आता है? नहीं, क्रूज कंट्रोल इसके टॉप मॉडल में भी नहीं है, जो एक बहुत बड़ी कमी है, और ईवी के लिए तो वो मस्ट है फॉर गुड एवरेज। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा टाटा वालों से कि इसमें क्रूज कंट्रोल होना चाहिए। सही है। एक आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है मार्केट में स्पेशली फॉर दिस कार, बट वो मैं लगवाने के मतलब किसी को भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि बाहर से नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि वो क्रूज कंट्रोल इज अ वेरी बिग थिंग, बट टाटा वालों को क्रूज कंट्रोल इसके अंदर देना चाहिए जरूर। यार इसका चार्जिंग सिस्टम वगैरह कैसे वर्क करता है, एक बार मुझे बताओगे आप? ये इसका फ्यूल लिड जो है ना, जहाँ पे हम नॉर्मल पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा। ये होम चार्जर के लिए है, सिंगल स्लो चार्जिंग, जैसे घर पे हम चार्ज करते हैं। जब हमको फास्ट चार्ज करनी है तो इसको भी उतारते हैं, ये फास्ट चार्ज के लिए है। ओके। तो फास्ट चार्ज करते वक्त ये दोनों पॉइंट्स यूज होते हैं। ओके। और घर पे चार्ज करते वक्त इसका एक सिंगल ऊपर, सिर्फ ऊपर वाला सिंगल पॉइंट यूज होता है। ओके। अगर चार्जर अभी तो आपके पास नहीं होगा, बाय चांस होता है लगभग,
चार्जर का साइज मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज ये उसका कवर है। अच्छा, बस इतना सा होता है, इतना सा होता है, वो कहीं भी फिट हो जाता है, वो कहीं भी किसी भी आप नॉर्मल एक सॉकेट पे भी उसको लगा सकते हो। 15 एम्पियर का नॉर्मल आप घर पे अपने ऑफिस में कहीं पे रास्ते में भी अगर आपको एक नॉर्मल प्लग मिल जाता है 3 पिन वाला, आप उस पर गाड़ी चार्ज कर सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना सुनने में गाड़ी चार्ज करना। आज तक टॉयज चार्ज करते सुना था मैंने, गाड़ी चार्ज करना। होटल्स वाले भी आजकल अलाउ कर रहे हैं गाड़ियों को चार्ज करने के लिए, वो देखते हैं ईवी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी है, तो वो फ्री में चार्ज करने देते हैं। इनफैक्ट मेरे को भी एक चंडीगढ़ में गया था, एक होटल वाले ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, उसने कोई मेरे से चार्जेस नहीं लिए, उसने कहा सर आप अपनी कार चार्ज करिए, उसने मुझे प्लग प्रोवाइड करवाया और उस प्लग पे मैंने अपनी गाड़ी चार्ज करी, पूरी रात मेरी गाड़ी चार्ज हुई 8 घंटा, ही डिड नॉट चार्ज मी अ सिंगल रुपी। तो बहुत सारे लोग ऐसे मतलब कर रहे हैं फ्री में, वो आपको चार्जिंग देंगे। Like, मैंने देखा है कि ईवी व्हीकल्स वाले कैलकुलेट करते रहते हैं कि उन्होंने कितने पैसे अब तक सेव कर लिए, तो आपको अगर आइडिया है कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं और कितने आपने सेव कर लिए तो वो भी मुझे बता दो। इसका कैलकुलेशन है पर किलोमीटर मैं 10 रुपीज सेव कर रहा हूँ। अच्छा, कंपैरिजन टू अ पेट्रोल कार। और अभी मैंने जैसे 9000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो 90,000 रुपीज़ मैंने सेव करे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर पर मंथ अगर आप 2500 किलोमीटर चलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो 25,000 रुपीज़ आप पर मंथ इसमें सेव कर रहे हो, जो आपकी ईएमआई ऑलमोस्ट जाती है, तो द कार इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली। पर ये कैलकुलेट करने का मतलब प्रोसेस क्या है कि आपने जैसे कहा कि इसकी रनिंग कॉस्ट 1 रुपी पर किलोमीटर है, नॉर्मल पेट्रोल कार्स की अराउंड 11 रुपीज आती है इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस। ओके, तो इसकी 1 रुपी काट के 10 रुपीज पर किलोमीटर सेविंग है। जितने किलोमीटर आप चलाओगे 10 रुपीज पर किलोमीटर आपका इसमें सेव होगा। सामने से देखने पे पता चल रहा है कि आपने अपनी कार पे बहुत कुछ करवाया हुआ है, तो एक बार आप बताओगे आपने क्या क्या करवाया है? एक मैंने इसका डिफ्यूजर लगवाया फ्रंट का, साथ में मैंने इसकी एक नई DRL आई है वो लगवाई है, ठीक है, और एक ये मैंने इसकी लाइट लगवाई है जिसको बोलते हैं बोनट स्कूप DRL। ओके, और इसकी मैंने एक बैजिंग अलग से स्पेशल ऑर्डर करके बनवाई थी नेक्सॉन की ब्लैक कलर में। नॉर्मल आपको शायद क्रोम में मिलती होगी लेकिन ब्लैक में कहीं भी नहीं आपने देखी होगी। साथ में इसका एक बैक डिफ्यूजर भी है फ्रंट के साथ, जबकि इस गाड़ी के अंदर कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है। आप एक बार नीचे दिखा सकते हो, इसमें एग्जॉस्ट नहीं है, लेकिन ये मैंने सिर्फ डिफ्यूजर लगवाया हुआ है फॉर लाइक सिर्फ दिखाने के लिए। लाइक आप जितने भी पैसे आप बचा रहे हो पर मंथ आप इसकी मॉडिफिकेशन पे लगा रहे हो क्या? आप भाई समझ लो मेरे को बहुत शौक है गाड़ी को अपना मेंटेन करके उसको मॉडिफाई करवाने का। नेक्सॉन कार अभी हमने ऑन कर रखी है और एब्सोल्युटली 000 साउंड है, बस थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल आवाज नहीं करती है ये। अभी देखो अभी मैं इसका AC ऑन करूंगा तो आपको सिर्फ AC का जो फैन की आवाज शायद थोड़ी सी आएगी, और बिल्कुल भी कोई नॉइज नहीं है। नहीं है यार, मैं यहाँ कान लगा के बैठ जाऊंगी तो भी आवाज नहीं आ रही है। फैन की आवाज आ रही है कंप्रेसर की, बट सिर्फ वही आवाज है, उसके अलावा आवाज ढूंढते रहो भाई, बहुत ज्यादा साइलेंट है। अगर हम किसी के पीछे आते ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो आपको ऐसा फील नहीं होता? हाँ, वो किसी को पता नहीं चलता, और साथ में इनका हॉर्न जो है वो बहुत छोटा सा है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत कम है, तो टाटा वालों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसका हॉर्न अच्छा बजाएं। एक्चुअली खासकर इस गाड़ी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं किसी के पीछे खड़ा हूँ तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि पीछे गाड़ी खड़ी हुई है। आई जेन्युइनली फील कि इसके पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक कार के ना नेगेटिव्स भी होते हैं, तो आपकी कार के ऐसे क्या नेगेटिव्स हैं जो आपको फील होते हैं? इंस्टेंटली हम लोग पूरे पीछे हो चुके हैं। ये देखिए आपको टायर की आवाज आई होगी, गाड़ी से खुश नहीं है, टाटा वालों की लाइट्स अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है प्राइस। मेरे को एक बार एक पुलिस वाले ने रोका,